ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग यहाँ पर थे कि हमने क्या कर दिया, हमने अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, गोल्ड फॉइल ले लिया, और हमने क्या कर दिया है, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली। स्क्रीन की खास बात क्या थी? स्क्रीन की खास बात ये थी कि बेसिकली क्या होता था स्क्रीन की खास बात में, कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ जाके हिट करता था, कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ जाके हिट करेगा किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे निशान पड़ जाएगा। उससे क्या होगा, पता लग जाएगा कि अल्फा पार्टिकल यहाँ आके टक्कर खाया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये इसकी खास बात थी, ठीक है ना। अब क्या, अल्फा पार्टिकल्स हमने भेजे यहाँ पर, ये क्या है, गोल्ड फॉइल। क्या ये गोल्ड फॉइल? यहाँ से कौन आ रहा है, अल्फा प्लस टू का पार्टिकल, हैवी पार्टिकल। हमने ये देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है इसको पार करके बाहर निकल गए थे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या थे, इसको पार करके बाहर निकल गए थे। समझ आता है? ठीक। उसके बाद लगभग कुछ 8,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल था जो थोड़े ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक। उसके बाद ये स्क्रीन बहुत बड़ी थी, यहाँ तक की थी, ऐसी थी स्क्रीन जो है, ऐसी थी। उसके बाद हमने देखा कुछ 20,000 में 20,000 पार्टिकल भेजेंगे, तो उसमें कुछ एक ऐसा पार्टिकल था जो यहाँ आकर के हिट कर रहा था। बोले ये क्या है, बहुत अजीब बात है। सबसे पहली चीज़ क्या देखी गई? सबसे पहली चीज, मैक्सिमम पार्टिकल पार करके बाहर निकल गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एटम में क्या है, बहुत सारी खाली जगह है। अगर मैं ये ऐसे रखूं और यहाँ से पत्थर फेंकूं, तो पत्थर कैसे बाहर निकलेगा? कब बाहर निकलेगा? जो बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये पत्थर ही तो था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये पत्थर थे, पत्थर भाप हम लोग क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे, मैक्सिमम पत्थर उसको पार करके निकल गए। मतलब क्या, बहुत ज़्यादा क्या है, एम्प्टी स्पेस है। सबसे पहली चीज़ ये, तो एटम में बहुत ज़्यादा क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। दूसरी चीज़, कुछ पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये पार्टिकल्स कैसे डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, तो हो क्या रहा होगा, अब वो समझाएगा, ये भी समझाऊंगा मैं क्या होता है। कुछ पार्टिकल जो है ऐसे जा रहे थे और लगभग लगभग 180, इसको मतलब एंगल दिखाने में तुमको बहुत बड़ा लेकिन एंगल बहुत छोटा, वो ऐसे कुछ आकर के हिट कर गया। तो लगभग कितना है, ऐसे गया फिर ऐसे रिटर्न आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री से क्या कर रहा था, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये जो है ना, इतना शॉकिंग था उसके लिए, गाइगर मार्जन और रदरफोर्ड के लिए। रदरफोर्ड बोलता था ये ऐसी बात है जैसे मैंने क्या किया, एक मच्छर को बुलेट, एक मच्छर की तरह बुलेट फायर किया, और बुलेट मच्छर को लगती है और टकरा करके बुलेट रिटर्न आ जाती है। ये ऐसी बात थी उसके लिए। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसा पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है। इतने हैवी पार्टिकल को टक्कर मार के वापस भेजा किसने? समझ आया? ये सोचने की बात थी। तो ये चौंकाने वाला था उनके लिए रिजल्ट, ये ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन से अब हम लोग ने कंक्लूजन निकालना शुरू किया कि बेसिकली हो क्या रहा होगा। अब इतने हैवी पार्टिकल को भाई डरा के वापस भेजने के लिए अंदर कोई और हैवी पार्टिकल होगा, तो यही सोचना उन लोग ने शुरू किया। उन लोग ने बोला कि अगर इस पे प्लस टू का चार्ज है, ये प्लस टू के चार्ज वाला पार्टिकल यहाँ से रिपल कब होगा, जब अंदर क्या होगा, अंदर और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बैठा होगा, रिपल होगा ना, वो रिपल हो रहा है, तो अंदर एक और एक क्या कैसा पार्टिकल बैठा होगा, हाँ, जिसका चार्ज इससे भी ज़्यादा होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब अगर ये छोटा हाथी है तो अंदर क्या है, बहुत बड़ा हाथी बैठा है जो उसको क्या कर रहा है, डरा के वापस भेज रहा है। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है, गोल्ड है ना, गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत होता है, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड और टीम ने ये यहाँ पे ये दिमाग लगाया कि जो एटम होता है उस एटम में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। समझ आया? समझे? एक 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 पॉजिटिव चार्ज में तो इतना दम नहीं है, लेकिन अगर क्या कर जाए, सभी पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो अल्फा पार्टिकल की क्या औकात है ना, अल्फा पार्टिकल आएगा और क्या होगा, रिपल होके वापस चले जाएगा। यही हो रहा था। उसने बोला कि एटम के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड यानी जमा होते हैं, उस जगह का उसके नाम रख दिया न्यूक्लियस। तो यहां से वो कंक्लूजन निकला है। ऐसे ही नहीं हवा में बात कर लेते हैं कुछ भी, साइंटिस्ट दिमाग वाला होता है, ऑब्जर्व क्या किया, उससे कंक्लूजन क्या निकाल लिया उसने। क्या ऑब्जर्वेशन था? पार्टिकल टक्कर खा के लगभग 180 के एंगल पे आ रहा है। कंक्लूजन क्या निकाला? अंदर कोई क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। पॉजिटिवली चार्ज वो भी पॉजिटिव चार्जेस क्या है, एक जगह पर जमा है। तभी उन लोग ने क्या कर दिया, इसको रिपल करके वापस भेज दिया।
और उसने वो जगह को बोला कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जमा होंगे, उस जगह को उसने बोला कि ये क्या है, न्यूक्लियस। ऐसा आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन। अब समझा, वो जो बचपन से याद करा रहे थे वो ऐसे सोचा गया था। अब समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो अंदर कौन बैठा हुआ है? अंदर न्यूक्लियस बैठा हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? सब पॉजिटिव चार्ज जमा है, तभी तो उसको डरा के वापस भेज दिया इन लोगों ने। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब क्या, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कैसे हो गया वो समझाता हूँ। तो जहाँ पर आपका न्यूक्लियस होगा ना, उसमें क्या होगा? बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये अल्फा पार्टिकल जो था, ये ऐसे है ना, एक तो जो 180 के एंगल पर आया वो तो सीधा जाके ऐसे टक्कर खा रहा था, समझ आ गया? तो उसको मार के सीधा भेज दिया उन लोगों ने। लेकिन ये जो था थोड़ा सा डिफ्लेक्शन वाला, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ सोच रहा था मैं कट मार के निकल लूँगा, समझा गया? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये क्या होता है, ऐसा करके उसको ऐसे डिफ्लेक्ट करवा देते। आपको समझ आ गया? तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? क्यों हुआ भाई? क्योंकि वो क्या कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ से जा रहा था, इस वजह से वहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया। अब समझा? तो ये सोचा गया ऐसे हो रहा होगा। बहुत सारे पार्टिकल क्यों निकल गए? क्योंकि ऐसा नहीं हर जगह पर पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पर होगा फिर यहाँ पर बहुत सारा क्या होगा, एम्प्टी स्पेस। इतने रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी सब क्या है, एम्प्टी स्पेस। यहाँ से पार्टिकल निकल जाते हैं, समझ आ गया? तो 20,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल बोलेगा सीधा टक्कर खाऊंगा, वो क्या करेंगे, उसको रिपल करके वापस भेज देंगे। अब समझ आया? ऐसे बनाए, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है अब तक, सिर्फ क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ही खेल रहे हैं लोग। ठीक है ना, ये समझ आ गया कि एटम के अंदर क्या होगा, एक जगह होगी जहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। इसी वजह से रदरफोर्ड को कहते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रदरफोर्ड को कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड। अब क्या, अब आगे की कहानी ये है कि ये तो समझ में आ गया कि सर जो बचपन से सुन रहे थे कि हमारे एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, ये जो हम बचपन से सुन रहे थे, समझ में आ गया अपने को। रदरफोर्ड ने वो जो ऑब्जर्वेशन किया था उसे कंक्लूजन निकला। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा है वो किधर से आया? रदरफोर्ड ने ही बताया होगा ना, रदरफोर्ड के मॉडल में था ये। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा है वो कैसे कंक्लूड कर लिया? तो वो कोई कंक्लूजन नहीं निकाला था उसने उसका, उसने बस सिमेट्री को ओबे किया और ऊपर के मॉडल को कॉपी कर लिया। ऊपर का कौन सा मॉडल? ऊपर का मॉडल ये था कि सन सेंटर में, बाकी प्लैनेट क्या कर रहे हैं। तो उसने बोला कि ऐसा होता होगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा। तो इसी वजह से इस मॉडल को कहते हैं रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि उसने प्लैनेटरी मॉडल को क्या किया, कॉपी करके बताया। समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो क्यों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के पास, कोई अपने पास आंसर नहीं है इसका। उसने क्या बोला, ऊपर ऐसा होता है ना तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता होगा, कोई आंसर नहीं था उसके पास। समझ आई बात? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। तो रदरफोर्ड का मॉडल समझा। इसमें और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने उतनी बात बताई है जितनी काम की है। बुक में भी बहुत ज़्यादा उसने किया नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं, सवाल आएगा ही नहीं। उस सवाल किससे आएगा? बोर एटॉमिक मॉडल से, उसी पे क्वेश्चन आए। ठीक है ना, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? और बोर एटॉमिक मॉडल पे नीट में सीईटी में सवाल पक्का होता है, हर साल सवाल आता है। समझे, मॉडर्न फिजिक्स से कितने सवाल आते हैं नीट में, कितने सवाल आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, कितने सवाल आते हैं बोलो? एक बार 9 सवाल आए थे 45 में से, 45 क्वेश्चन में से मॉडर्न फिजिक्स से 9 क्वेश्चन थे, 9 सवाल। समझे, ऑन एन एवरेज 5 से 6 सवाल तो पक्के हैं, 5 से 6 सवाल आते ही हैं पेपर में, नीट के पेपर में मॉडर्न फिजिक्स से। ठीक है ना, क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो रदरफोर्ड ने कैसे कंक्लूड किया, समझा? क्या होता है एटम में? न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। लॉजिक समझा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, कहाँ से आया, प्लैनेटरी मॉडल। समझा, क्लियर हो गया? चलो भाई, ये अपने को समझता है। अब क्या, अब इससे कहानी अब आगे बढ़ने वाली। ये भाई साहब गाइगर माजदान ने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ऑब्जर्वेशन किया। उन लोग तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन उन लोग ये करते करते ऑब्जर्वेशन कर लिया। इस ऑब्जर्वेशन को किसको बताया? रदरफोर्ड को, जो कौन था, उनका टीचर था, वो डायरेक्टर था इंस्टीट्यूट का, उनको बताया। रदरफोर्ड ने उसको ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड ने क्या कर लिया, उसे कंक्लूजन निकाल लिया। तो उन लोग की कई सारी मेहनत थी, सालों की मेहनत, कितना सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट हुआ, कंक्लूजन निकला, तो इन लोग ने एक नया मॉडल ऑफ एटम बना दिया। नया मॉडल ऑफ एटम क्या है बताओ? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो उस मॉडल में क्या है बताओ जरा,
एटम में क्या है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, क्लियर हो गया। अब जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई नया मॉडल कोई साइंटिस्ट बनाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग की बात है ये, तो जब भी कोई साइंटिस्ट एक मॉडल बनाता है तो क्या करता है, बाकी जो दिग्गज साइंटिस्ट होते हैं उनको बुला करके उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक। तो अब क्या हो गया, अब ऐसा हो गया कि रदरफोर्ड भाई साहब ने मॉडल बनाया अपना और वो बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुला करके एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें से एक बड़ा साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील बोर। क्या नाम था? नील बोर। अभी भाई साहब नील बोर आते हैं उस मीटिंग में, ठीक है, क्या सीखने के लिए, नया मॉडल सीखने के लिए, ठीक है ना। तो नील बोर भाई साहब आते हैं, वो सोचते हैं चलो नया मॉडल सीखेंगे, कौन सिखा रहा है, रदरफोर्ड। लेकिन नील बोर एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो रदरफोर्ड को नहीं पता होता है। अगर आपके थ्योरी में, अगर आपने कोई थ्योरी दी और उससे कोई भी एक चीज़ भी आप एक्सप्लेन अगर नहीं कर पा रहे, एक पॉइंट भी एक्सप्लेन अगर आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपकी थ्योरी फेल है। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये जो उससे सवाल पूछता है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्या सवाल था वो मैं आपको समझाता हूँ। चलो ये हो गया। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये तो अपने को समझ में आ गया कि एटम में बहुत सारा क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है और एक ऐसी जगह होती है, मतलब ऐसी थोड़ी थोड़ी जगह पे, जहाँ एक पर्टिकुलर एटम में ऐसी जगह होती है जहाँ पर बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड भाई साहब जो है ये सबको बुला करके क्या कर रहे थे, अपना मॉडल एक्सप्लेन कर रहे थे। और उस मॉडल को एक्सप्लेन करते वक्त क्या हुआ, उसमें नील बोर नामी साइंटिस्ट बैठे थे। यहाँ तक की कहानी बताई आपको मैंने। अब नील बोर क्या करते हैं, नील बोर एक सवाल पूछते हैं। अब पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि नील बोर ने वो सवाल पूछा कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। आइए देखिए, नील बोर भाई साहब एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है? मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है ना। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, तो ये ऐसे साइंटिस्ट है मैक्सवेल, जैसे मैकेनिक्स में न्यूटन है वैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कौन है, मैक्सवेल है, दिग्गज है भाई उसका, ठीक, क्लियर हो गया। न्यूटन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कोई काम नहीं है न्यूटन का, उसने तो कहाँ काम किया, मैकेनिक्स में काम किया। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में किसने काम किया, मैक्सवेल ने काम किया, पूरा इमेजिनरी होता है उस पर काम किया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, दिमाग वाला साइंटिस्ट। अब मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल ने भी कुछ डिस्कवरी की थी, कुछ ऑब्जर्व किया था, तो मैक्सवेल भी बड़े बड़े साइंटिस्टों को बुला करके एक्सप्लेन कर रहा था। उस कॉन्फ्रेंस में नील बोर भी बैठा हुआ था, तो नील बोर वहाँ बैठा हुआ था। अब नील बोर ने कुछ देखा था मैक्सवेल के यहाँ पे, वो समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेटालिक क्या है, एक कंडक्टर है और ये प्लास्टिक का है ताकि चार्ज नीचे नहीं चले जाए, ठीक है ना। ये दूसरा मेटालिक कंडक्टर है, ये भी क्या है, ये इसका स्टैंड जो है वो क्या है, प्लास्टिक का है ताकि चार्ज नीचे ना चले जाए। इस पर फॉर एग्जांपल चार्ज नेगेटिव है, या इस पर फॉर एग्जांपल चार्ज पॉजिटिव है, समझो इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कैसे दोगे पॉजिटिव चार्ज, रबिंग कर दो, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर कोई तरीके से हमने कौन सा चार्ज दे दिया, नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। मैक्सवेल ने उस डिमॉन्स्ट्रेशन में ये बताया, वो डिमॉन्स्ट्रेशन था, उस डिमॉन्स्ट्रेशन में ये बताया कि उसने ये नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर को ऐसे पकड़ा, उसके बाद उसको ऐसे पकड़ के एक्सेलरेट करवाया, ऐसे मूव कराया, तो उसको ऐसे 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 करके क्या कराता है, मूव कराता है। जब उसको मूव करवाता है तो मैक्सवेल ने उसको ये बताया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है ना, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा था। क्या कर रहा था, मतलब अगर एक पॉजिटिवली चार्ज ऐसा क्यों कर रहा था, मैक्सवेल को भी नहीं समझ में आ रहा था। आगे जा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी यहीं से होगी, लेकिन ऐसा हो रहा था, ये मैक्सवेल ने बताया था। आपको भी नहीं सीखना ऐसा क्यों हो रहा है, आपको बस देखना कि हो रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर आपको उसका काम नहीं है क्यों हो रहा है। बस उसने ये बताया डेमोन्स्ट्रेशन में कि क्या हुआ, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के इन्फ्लुएंस में जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है इसको मूव कराया जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, समझा। तो अगर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेट करवाएं,
तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक, क्लियर है। ये कौन देख लिया, नील बोर। अब नील बोर भाई साहब किधर आ गए थे, रदरफोर्ड के कॉन्फ्रेंस में। रदरफोर्ड के कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहा था रदरफोर्ड, बोलो भाई। रदरफोर्ड क्या बता रहा था, रदरफोर्ड बता रहा था कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसके आसपास। तो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस में जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यह ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेट करेगा, ये एक्सेलेरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। क्यों, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलेरेट कर रहा है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में नेगेटिवली चार्ज बॉडी या पार्टिकल एक्सेलेरेट करेगा तो वो क्या करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना चाहिए, समझ आ रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा तो थोड़े टाइम में उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्या वो इनफाइनाइट एनर्जी लेके आया इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ फाइनाइट एनर्जी होगी उसकी। अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रॉन के पास तो फाइनाइट एनर्जी है, मतलब क्या होगा, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना जो ये एनर्जी है वो रेडिएट करेगा, और रेडिएट करते 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 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एनर्जी कम होते होते कहाँ गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया, मतलब क्या, मॉडल ही फेल हो गया। मॉडल क्या बोलता है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है। तो इसका ये मतलब है कि अब तक कोई इंसान फॉर एग्जांपल पैदा हुआ तो उसके अंदर एटम्स होंगे, वो जैसे पैदा हो गया उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आए घूमे और कहाँ चले गए, एनर्जी खत्म, कहाँ चले गए, न्यूक्लियस के अंदर। तो मॉडल ही फेल हो गया ना, ये कोई मॉडल थोड़ी है, ये तो स्टेबल मॉडल है ही नहीं। कुछ समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये जो है नील बोर ने उसको सवाल पूछा, और ये सवाल पूछने के बाद रदरफोर्ड ने बोला मुझे इसके बारे में नहीं पता। क्यों, क्योंकि वो जो डिस्कवरी, वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन था ना, वो भी तो नया नया था, समझे। तो उसने बोला मेरे को इसके बारे में नहीं आइडिया है कुछ भी। तो उसी टाइम पर बेचारा, लोग इतनी मेहनत करते हैं, गाइगन मार्सडन और रदरफोर्ड इतनी मेहनत करते हैं लोग, इतनी मेहनत करने के बाद भी इनका मॉडल फौरन ही फेल हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब जो है नील बोर इस मॉडल को उठाता है, फिर वो क्या करता है, इस पर और काम करता है और उसको सही करने की कोशिश करता है। चलिए, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। रदरफोर्ड ने, नील बोर ने सवाल पूछा, अब उसके पास, रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, तो नील बोर ने इसी मॉडल को उठाया और उसने क्या कर लिया, उसने इसको रेक्टिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे मैं आगे आता हूँ, क्योंकि उसने सीक्वेंस को बिगाड़ा है, मैं आपको सही सीक्वेंस से लेके जाता हूँ और डेरिवेशंस भी प्रॉपरली बताता हूँ। आ जाओ, तो अब जो है, अब अपने को समझना है, यहाँ पर तो अपने को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है ना, क्या क्लियर हो गया कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ता है, आगे क्या है, अब अपने को बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, क्योंकि बोर ने क्या कर दिया, उसी मॉडल को उठाया, उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने अपने पोस्टुलेट्स दिए। क्या दिए, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, पोस्टुलेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई प्रूफ प्रूफ नहीं होता है, उसको मान लेने का कैसा होता है, समझे, उसको पोस्टुलेट कहते हैं। ये क्या है, एक पॉइंट है, कोई प्रूफ है क्या, मान लो, समझ में आ गया। उसके बाद एक लाइन से या एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट, क्या कोई प्रूफ है क्या, नहीं, मान लो, समझ आ रहा है, उसको पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक है ना, पोस्टुलेट मतलब जिसका कोई प्रूफ प्रूफ नहीं होता है, बस मान लेने का। ठीक है, चलो भाई। तो बोर ने उस मॉडल में, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो जो गलतियां थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्टुलेट्स। 1913 का है ये। रदरफोर्ड का मॉडल कब आया था, 1911 में आया था। बोर का मॉडल कब आया, 1913 में आया। ठीक है, मतलब अभी अभी का ही, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी अभी का ही है अभी। ठीक है ना, चलो। तो बेसिकली अब जो है लगभग 100 साल पुराना,
ठीक है, लॉ 110 साल पुराना, ये सब उसने लॉज वगैरह दिया, ठीक है ना। तो पोस्टुलेट जो है एक एक करके मैं आपको पोस्टुलेट समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको देखेंगे। बुक में बहुत गड़बड़ है तो मैं आपको प्रॉपर इसकी नोट्स दे दूंगा, उसको आप उसी हिसाब से लिखिए, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। चलिए भाई, तो सबसे पहला कौन सा मॉडल आया? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। फिर कौन सा मॉडल आया? जे.जे. थॉमसन मॉडल। फिर कौन सा मॉडल आया? रदरफोर्ड मॉडल। अब कौन सा मॉडल आ रहा है? बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। तो उसमें अपने को बोर के पोस्टुलेट पढ़ने हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पोस्टुलेट वन पढ़ते हैं। पोस्टुलेट वन क्या है? पोस्टुलेट वन कहता है, ध्यान से सुनिए अभी, पोस्टुलेट वन क्या कहता है, स्टेटमेंट गिवन है वही आपको पढ़ना है आपकी बुक में जो गिवन है। पोस्टुलेट वन कहता है कि जो आपका एटम होता है, एटम में क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। किसके आसपास? न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। अब वो अपनी बात को काट देता है, नील बोर क्या करता है, अपनी बात को काट देता है। नील बोर बोलता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, समझे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के आसपास घूमता है लेकिन एनर्जी रेडिएट, ये अपनी ही बात को काट देता है, ठीक है ना। एक एक्सप्लेनेशन देगा वो आगे जाके, समझाऊंगा मैं उसको भी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपकी बुक का स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं आपको, बुक में क्या दिया हुआ है देखिए। सबसे पहले आप आइए पेज नंबर 327 पे आइए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताऊंगा मैं क्या है, सबर करो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो दो फुट भी बोल रहा था, नई बात क्या थी। उसने एक और चीज बताई इसमें कि जो आपका न्यूक्लियस था ना, तो इसके बीच में क्या होगा, फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, अरे भाई क्या करने के लिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, इसका रेडियस क्या है, आर है, वेलोसिटी क्या है, वी है, और मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, एम है। से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 q1 q2 r2, समझा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें मुझे आपको समझानी है, ठीक है, आइए ये अपने को समझता है। अब इसमें जो है हम जो कंसिडर कर रहे हैं ना एटम, वो कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में ये इस पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, और ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कितना होता है, ई, उस पर प्लस सी, इस पर माइनस सी। तो मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करूँ तो क्या होगा, ई इंटू ई डिवाइड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो ये लिख करके रख देना, बड़े काम की इक्वेशन है, आगे काम आएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होता है, 1/4πε0 q1 q2 r2। सबको समझा, क्लियर हो गया, फर्स्ट पोस्टुलेट कॉपी करो उसको। चलो ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना, चलो आ जाओ। अब इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट में आपको समझाता हूँ। सेकंड पोस्टुलेट में वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाता है इलेक्ट्रॉन के घूमने पे। बोलता है इलेक्ट्रॉन जो है, अब समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूँ मैं, सब ध्यान दो ध्यान दो। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये नील बोर को भी नहीं समझ रहा था, बस वो कैलकुलेशन में ऐसा आ रहा था, वो बता रहा था, ठीक है, समझो। तो ये न्यूक्लियस है, अब इसके आसपास फॉर एग्जांपल मैं रिंग्स ऐसे जो होती है ना, तो बैंगल होता है, मम्मी का बैंगल, चूड़ी होती है ना, तो वो रिंग जो होती है ना, या जो बैंगल होता है, उसको मैं ऐसे जमाना शुरू करता हूँ। एक बैंगल, उससे थोड़े बड़े रेडियस का बैंगल, उससे थोड़े बड़े रेडियस का बैंगल, उससे थोड़े बड़े रेडियस का बैंगल, समझ आ रहा है। तो ऐसे कितने बैंगल लगा सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट, समझ आ गया। हर बैंगल एक ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट, ध्यान से सुनो। तो नील बोर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम सकता है, कोई भी ऑर्बिट में घूम सकता है ना, इस पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। नील बोर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है,
नील बोर बोलता है, ध्यान से सुनो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, ना अभी काम आएगा। नील बोर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। कितने ऑर्बिट है? इनफाइनाइट। इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक कुछ ऑर्बिट में घूमेगा। मतलब आपके मम्मी के ये बैंगल पे घूमेगा या ये बैंगल पे घूमेगा या ये बैंगल पे घूमेगा, बाकी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। बाकी ऑर्बिट में घूमेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो बाकी ऑर्बिट में घूम ही नहीं सकता, वो क्या कर सकता है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूम सकता है वो। ठीक, तो उससे सवाल पूछा गया वो स्पेसिफिक ऑर्बिट कौन से हैं। ठीक, वो स्पेसिफिक ऑर्बिट कौन से हैं, तो उसने बोला वो स्पेसिफिक ऑर्बिट वो हैं जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए ना, जैसे इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में घूम रहा है, ये ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका क्या देखना पड़ेगा, उस ऑर्बिट का यहाँ से रेडियस देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का इसमें वेलोसिटी देखना पड़ेगा, और क्या देखना पड़ेगा, मास। तो ये ऑर्बिट जो भी होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल हमारे हिसाब से नाइन्थ है, तो ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मास देखा, वेलोसिटी पुट किया, रेडियस पुट किया, तो ये जो है ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम आया वो एच अपॉन टू पाई का एक गुना आया, वन टाइम्स आया, तो इसमें वो घूम सकता है। कोई दूसरा ऑर्बिट होगा जिसमें हमने एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का निकाला तो वो एच अपॉन टू पाई का कितना टाइम्स आया, 1.5 टाइम्स आया, इसमें वो नहीं घूम सकता। कोई हमने और ऑर्बिट निकाला, उसमें एंगुलर मोमेंटम निकाला, कैसे निकाला, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस करके, उसमें जो एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल आ रहा है ना, ये इतना रहा, फॉर एग्जांपल 3.1 इनटू एच अपॉन टू पाई, इसमें भी वो नहीं घूम सकता। किसमें घूमेगा, या तो वन में, या तो टू टाइम्स एच अपॉन टू पाई में, या तो थ्री टाइम्स एच अपॉन टू पाई में, या तो फोर टाइम्स एच अपॉन टू पाई में। यानी अगर आंसर आप क्या करेंगे, समझो आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में डाल सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही जाएगा। कौन से ऑर्बिट में जाएगा, हर ऑर्बिट का आप क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम निकालोगे। कैसे निकालोगे, mvr, यानी मास वेलोसिटी रेडियस, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। आपने किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मास देखा, वेलोसिटी देखी, रेडियस देखा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया 4 times h upon 2 pi, उसमें घूमेगा नहीं घूमेगा, घूम सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। कोई ऑर्बिट आपने देखा, उसमें क्या है, आपने मास देखा, वेलोसिटी की रेडियस देखा, तीनों को मल्टीप्लाई किया, उसमें जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आया वो आया कुछ, फॉर एग्जांपल 5.8 h upon 2 pi, नहीं घूम सकता। समझ आ रहा है, यानी हर ऑर्बिट में क्या निकालना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम का आंसर एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, मतलब एच अपॉन टू पाई का एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, एन टाइम्स, तो अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। समझ आया, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। समझ आ गया, लिखो पोस्टुलेट ये तुम लोग। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये चीज अपने को समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन के कहाँ घूम सकता है, कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। समझ आया, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन लिखा देता हूँ मैं आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी जो बता रहा हूँ वो लिखो। तो सेकेंड पॉसिबिलिट के लिए कंडीशन है एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन एच अपॉन टू पाई। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी नंबर ऑफ शेल बताता है। एल का फॉर्मूला क्या है, mvr, तो ये है एन एच अपॉन टू पाई, इसको टू दे करके रख लो, जल्दी से लिखो।
तीसरा पॉस्टुलेट बताता हूँ। हो गया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये चीज़ अपने को समझ में आ जाती है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आइए आगे क्या है, तीसरा पॉस्टुलेट देखते हैं। तीसरा पॉस्टुलेट क्या है, ध्यान से सुनो। तीसरा पॉस्टुलेट क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये अलग अलग क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ठीक। अब क्या, इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से मुझे लेके जाना है थर्ड ऑर्बिट पर, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, लोअर से हायर पे जाएगा, समझ आता है, ठीक। उसके बाद लगभग 10^-8 सेकेंड्स के अंदर क्या करता है, ये हायर से फिर लोअर पे आ जाता है। क्यों, क्योंकि हर सिस्टम क्या चाहता है, उसके पास एनर्जी कम से कम हो। तो ये जो है क्या करेगा, ये चाहता है कि इसके पास एनर्जी कम से कम हो, तो क्या करेगा, यहाँ से वापस से 1 पे आ जाएगा और साथ साथ में क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा, एक फोटोन रिलीज कर देगा, समझ आता है, ठीक है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, लोअर से हायर जाएगा, और जब हायर से लोअर पे आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज यानी फोटोन रिलीज कर देगा। सवाल ये है कि फोटोन का जो जिसने रिलीज किया है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो इसकी एनर्जी कितनी होती पता है, ये दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा ना उतनी एनर्जी होगी। इसकी एनर्जी फॉर एग्जाम्पल 10 है, इसकी 2 है, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 8 मतलब 10-2। अब समझा, ऐसा है, क्लियर हो गया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, लोअर से हायर, हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी रिलीज करेगा, जितना दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा। क्लियर हो गया, स्टेटमेंट लिखो जल्दी से, आसान भाषा में लिखा रहा हूँ मैं। एन इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम, only when it jumps from an orbit of higher energy to an orbit of lower energy, ठीक है, क्लियर है, समझ आया, ठीक है, चलो। तो और कितने एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, E higher - E lower, हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी, ठीक है ना, चलो। तो फोटोन जो रिलीज करेगा उसकी एनर्जी ये होगी, ठीक है, चलो भाई, ये क्लियर हो जाता है। अब जो है हम लोग डेरिवेशंस पे आ रहे हैं, डेरिवेशंस करेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π का इंटीगल मल्टीपल, ठीक है ना, NH/2π, ठीक है ना। इसके बाद क्या है बताओ, इसके बाद क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तब क्या होगा, फोटोन रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी होगी, दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस, क्लियर हो गया, समझ में आता है, ठीक है ना, चलो। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, तो बोर के ऑर्बिट का रेडियस क्या है, आइए उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, तो बोर के ऑर्बिट का रेडियस क्या है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बोर के ऑर्बिट का रेडियस क्या है। तो बोर के ऑर्बिट के रेडियस में क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, आपको भी कुछ चीज़ें यहाँ पर जो पॉस्टुलेट्स के फॉर्म में हमने लिखी थी उसको हम लोग को फिर से यूज़ करना होगा, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले क्या है कि हम लोग जब इसका हम लोगों को भी क्या क्या यूज़ करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास क्या है, एक एटम है। एटम में ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है वो बता सकता है मुझे? एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ई। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, जेड प्रोटॉन होते हैं। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो जितने एटॉमिक नंबर होगा वो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो एक प्रोटॉन पे ई चार्ज है, तो जेड प्रोटॉन पे क्या होगा, जेड ई का चार्ज होगा। बात समझ आ रही, ठीक है ना? तो इस पे चार्ज कितना है, जेड ई प्लस जेड ई, ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रेडियस क्या है, आर है। रेडियस आर है। वेलोसिटी क्या है, वी है। सबको समझ आ रहा है, ठीक है ना? चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। तो इस पे चार्ज कितना है बच्चों, इस पे चार्ज है अपना जेड ई। कितना चार्ज है, जेड ई चार्ज है, प्लस जेड ई का चार्ज है, ठीक है? चलो भाई, अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी फर्स्ट पॉसिलेट में कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो 1/4π ε0 ये क्या था, q1 q2/r2। एक चार्ज क्या है, जेड ई। दूसरा चार्ज क्या है, ई डिवाइड बाय क्या है, आर स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज पे भी लग सकता है, हमेशा हाइड्रोजन होगा ये जरूरी नहीं है, उसके जैसे स्पेशीज भी हो सकते हैं, ठीक है ना? अब बताओ आगे कहानी क्या होगी, ये हो जाएगा mv² / r। ये क्या हो जाएगा, 1/4π ε0। ये क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सबको समझ आ रहा है, ठीक है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, बुक में डेरिवेशन नहीं दिया है, मैं डिराइव करके दे रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, v² क्या हो जाएगा बताओ, ak² क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ क्या बचेगा अपने पास, बचेगा जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा, 4π ε0। और ये क्या हो जाएगा, m। समझ आ गया, v² मैंने निकाला, कैसे आया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4π ε0 अपॉन क्या हो गया, m। यहाँ से क्या मिल गया, v² मिल गया। इसको बंद दे देते हैं, सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड स्टेप पे चलो, सेकेंड पॉसिलेट आपको क्या कहता है, सेकेंड पॉसिलेट कहता है कि l इक्वल्स टू क्या होता है, mvr। L इक्वल्स टू क्या होता है, mvr इक्वल्स टू क्या होता है, nh/2π। ये होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो अपना mvr है ये है nh/2π, इसमें अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ दोनों साइड पे तो क्या होगा, हो जाएगा m² v² r² ये क्या हो जाएगा, n² h² डिवाइड बाय क्या होगा, 4π². सबको समझ आ रहा है, स्क्वेयरिंग कर दी मैंने, तो यहाँ से भी v² निकाल लेते हैं। बताओ क्या होगा, n² h² अपॉन क्या हो जाएगा, 4π², और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, m² और r², समझा? यहाँ से क्या आ जाएगा, v² आ जाएगा, इसको 2 दे दो। सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना? देखो v² यहाँ से भी मिल गया, v² यहाँ से भी मिल गया, दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। समझ आता है, ठीक है ना? कॉपी करो, इक्वेट करके आगे देखते हैं। चलो, तो यहाँ से भी v² आ गए, यहाँ से भी v² आ गए, एक r यहाँ बच गया था, ध्यान रखना, ठीक है? यार यहाँ पर ध्यान रखो, एक r बच गए, ठीक है? चलो आ जाओ, आप दोनों वी स्क्वायर को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं 1 और 2 को। जैसे ही 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो बताओ क्या होगा, तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4π ε0 mr इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, n² h² डिवाइडेड बाय क्या है, ये क्या है आपका, 4π², और ये क्या है, m² r² समझ आ रहा है, ठीक है ना? अब बताओ क्या क्या कैंसिल होगा, 4 कैंसिल, एक पाए कैंसिल, एक m एक r कैंसिल, क्या बचेगा बताओ, रेडियस निकालना है, एक रेडियस यहाँ बचा हुआ है ना? तो बताओ क्या होगा, ये आप r को यहाँ भेज दो, ठीक है? यहाँ क्या बचेगा, n² h² डिवाइडेड बाय, बताओ क्या बचेगा, ये ε0 इधर चला गया, ठीक है ना? क्लियर हो गया, समझ आ रहा है? हाँ, कौन सा, अरे हाँ सबर करो, बता रहा हूँ यार, मुझे रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस को बस वहाँ भेजा है मैंने, ठीक है ना? अब क्या बचा है बताओ, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर एक पाए बचा हुआ है, क्या बचा है, एक पाए बचा है, ठीक है ना? चार तो चला गया, उसके बाद क्या बचा है, एक m बचा है, उसके बाद क्या बचा है, जेड, उसके बाद क्या बचा है, e², समझ आ रहा है, ठीक है ना? तो ये अपने पास हो गया, देयरफॉर रेडियस क्या आ गया, देखो ये कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, जो भी एटॉमिक नंबर होगा पर्टिकुलर एलिमेंट का वो भी कांस्टेंट, e² भी कांस्टेंट, तो क्या बचेगा बताओ, हाँ, तो बेसिकली अगर इसको भी कांस्टेंट नहीं लेंगे आप तब भी क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा h² ε0 डिवाइडेड बाय क्या होगा, πme² ये आ गया, इधर पे क्या बच जाएगा, n² / z, ये आपके पास रेडियस आ गया, समझा? ठीक है ना? तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, इसका वैल्यू जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे सब वैल्यूज, तो ये आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, कितना आता है,
0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, यानी फॉर्मूला क्या बन गया रेडियस का, कोई भी एंथ ऑर्बिट के रेडियस का एन स्क्वायर बाय जेड 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये याद रखना है आपको। समझ आया, क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काम की चीज़ है, कॉपी कर लो उसको जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने रेडियस निकाल लिया। अब ध्यान से सुनिए, किसी भी एंथ ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालना है हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में, तो आपको क्या करना है, बस वो ऑर्बिट का नंबर पुट करना है। फॉर एग्जांपल आपको टेंथ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। समझ आ गया? वो भी जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसे रेडियस मिल जाएगा। तो ये जो आपको रेडियस का वैल्यू मिला है, किसी एन लगाया मतलब एंथ ऑर्बिट का मतलब वो है, तो रेडियस जो आपको मिला, इस रेडियस का वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे वन में, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, किसी भी एंथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो ये आपका होमवर्क होगा, क्या करना है आपको, ये रेडियस का वैल्यू इधर पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो थ्री आया है ये नहीं भाई, ये वैल्यू नहीं पुट करना, ये वाली पुट करना, ठीक है ना, ये वैल्यू पुट करना, तभी वो कैंसिल होगा, ये सब कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो थ्री को क्या करना, वन में सब्स्टिट्यूट करना, कहाँ पर, रेडियस का वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकाल करके लाना है, आपकी बुक में भी वो डिराइव नहीं किया है, बस वो वैल्यू को पुट करने बोला है, तो उसको ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अलग अलग ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, है ना। तो जो जो ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा, उन ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो अभी हमने डिराइव कर लिया, क्या रेडियस होगा, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये रेडियस होगा। अब अपने को क्या निकालना है, आपको क्या टास्क दिया मैंने, वो पर्टिकुलर कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला डिराइव करो, ठीक। इसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को निकालना है एनर्जी इन बोर्स ऑर्बिट, क्या निकालना है, एनर्जी इन बोर्स ऑर्बिट, ठीक है ना। तो अब अपने को निकालना है एनर्जी इन बोर्स ऑर्बिट, क्या मतलब होता है इसका, कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इन्हीं ऑर्बिट में वो घूम सकता है, तो उस पर्टिकुलर कोई ऑर्बिट में, फॉर एग्जांपल टेंथ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है, ये मुझे निकालनी है। समझ आता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अभी जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, प्लस ZE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, माइनस E, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है मतलब कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और इसके इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, इसका मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसके पास टोटल कितनी एनर्जी है, दो एनर्जी, कौन कौन सा, घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी और पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी होती है। अब अपने को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दोनों को ऐड कर देना, क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कैसे निकलेगा, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट बताइए क्या कहता है, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं। ZE क्यों होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज, E क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, समझ आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये लिखते वक्त हम लोग अगर साइन नहीं भी पुट करेंगे चार्ज का तो भी क्लियर है, पोटेंशियल के फॉर्मूले में ऐसा नहीं चलेगा, चार्ज पुट करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि उसमें एक्चुअल फॉर्मूला है पोटेंशियल इनटू चार्ज का, मैं समझाता हूँ आपको। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ ज़रा, हाफ एम वी स्क्वायर, देखो यहाँ पर एम वी स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक आर को यहाँ से भगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, यदि वस्तु यहाँ क्या बचेगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 8πε0 r, समझे, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई, समझा, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आई जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आया, 8πε0 r, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, इसको 2 दे दो, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या निकालना है बच्चों, अब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर, समझे, चार्ज डिवाइड बाय आर, ठीक है ना। ये कौन सा चार्ज होता है, जिसकी वजह से फील्ड बन रही है, जिसके फील्ड में वो घूम रहा है, किसके वजह से, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है ना उसकी वजह से, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, ZE, इनटू चार्ज क्या है, कौन सा चार्ज घूम रहा है, तो माइनस ही घूम रहा है,
कौन सा चार्ज घूम रहा है, माइनस ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझ आ गया। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव कराया है मैंने। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4πε0R। ये क्या मिल गई अपने को, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जी मिल गई, अब दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उससे क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी। समझ आ रहा है, ठीक है ना। देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या होगी, देयरफॉर टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ZE स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, 8πε0R प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन क्या है, 4πε0R। समझ आ रहा है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या क्या कॉमन कॉमन आ सकता है बताओ जरा, ZE स्क्वायर अपॉन क्या हो सकता है, 4 भी कॉमन ले लो, 4πε0R। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/2, क्या बचेगा 1/2, 4 बाहर ले लिया, यहाँ तो पूरा चला गया, तो माइनस 1। समझा, क्लियर हो गया। यहाँ क्या बचेगा, अरे 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, तो क्या बाहर ले लिया मैंने, 4 बाहर ले लिया, तो बचा क्या 1/2, तो समझा माइनस 1, आधे में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस आधा, समझे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4πε0R, ये कितना होगा, माइनस हाफ। समझा, क्लियर हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, लिख सकते हो फाइनल एक्सप्रेशन, बताओ फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, कॉपी कर लो। चलो तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का सिंबल है E, क्या सिंबल है, E, तो बुक में ई एंथ लिखेंगे बाद में, अभी सिंबल E लिखते हैं। तो E क्या आया बताओ, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 8πε0R, ये आया। मुझे बताओ अभी हम लोग ने रेडियस को डिराइव किया ना, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाए एम ई स्क्वायर, और ये क्या है, जेड होगा यहाँ पे, ये है, यही फॉर्मूला डिराइव किया अभी हम लोग ने। तो रेडियस का जो फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया वो ये है, ठीक। इस रेडियस के फॉर्मूले को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक। तो देयरफॉर क्या होगा बताओ, देयरफॉर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू माइनस ZE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 8πε0R। R क्या है बताइए, वो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाए एम ई स्क्वायर, और ये क्या है, Z, ठीक है, क्लियर हो गया। ये पाए पाए कैंसिल, ठीक है ना, बताओ क्या बचेगा, क्या बचेगा अपने पास, एम ई स्क्वायर जेड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बताओ क्या बचेगा अपने पास, माइनस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ई रेस टू फोर और इंटू क्या बचेगा, एम डिवाइडेड बाय, बताइए क्या बचेगा, डिवाइड बाय 8πε0² एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। समझ आ रहा है, ये क्या आ गई, टोटल एनर्जी। अब इसको टोटल एनर्जी को देखो, वेरिएबल कौन है, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, कोई वेरिएबल है तो उन्हीं को रखते हैं, बाकी सब क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो उन सबका वैल्यू पुट करके क्या आता है आपको बताता हूँ मैं अभी, आइए। तो अपने पास जो एनर्जी आ गई बच्चों, देयरफॉर एनर्जी क्या आई, एनर्जी आ गई माइनस एम ई रेस टू फोर डिवाइडेड बाय क्या बचा, 8πε0² एच स्क्वायर, ये क्या है, कॉन्स्टेंट। बचा क्या, बचा जेड स्क्वायर अपॉन क्या बचा, एन स्क्वायर, ये माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस भी बाहर आ गया, क्लियर, सबको समझ आया। तो ये अपने पास टोटल एनर्जी आ गई, ये जो है ना, ये जो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट, एच सब कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, इन सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर आता है वो होता है 13.6, कितना आता है 13.6। तो ये माइनस अपनी जगह पर, ये 13.6, ये होगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किसी भी nth ऑर्बिट की आपको अगर एनर्जी निकालनी है तो उस ऑर्बिट का नंबर पुट करो, एटॉमिक नंबर पुट करो, आपको एनर्जी मिल जाएगी उस ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझा, क्लियर हो गया। तो ये जो है, इस तरीके से आपने अब एनर्जी भी निकाल ली, सबको क्लियर है, कॉपी कर लो। चलिए तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर लें और उसके फर्स्ट ऑर्बिट की अगर मैं एनर्जी निकालना चाहता हूँ हाइड्रोजन एटम में, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो E1 बताइए क्या होगा, माइनस 13.6 इंटू क्या होगा, 1 का स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, 1 स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इतनी एनर्जी उसके पास, समझ आ गया ठीक है ना। सेकेंड ऑर्बिट के बाद कैसे निकालोगे बताओ, माइनस 13.6 इंटू ये तो आएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय कौन सा ऑर्बिट है, तो ये क्या रहेगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा 4, समझे। इसका जो वैल्यू आता है वो आता है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ आया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आप लोग लिख लो जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब खिचड़ी पकाया बुक में, ढंग से कुछ भी नहीं है। चलो एनसीईआरटी का कॉपी मारने का कोशिश हुई, समझे। पहले बहुत सॉर्टेड बुक आती थी, अभी इंफॉर्मेशन से लोटेड है लेकिन सब बिखरा हुआ है, ढंग से नहीं है कुछ भी, ठीक है। आइए, तो ये अब जो है अभी अपने को क्या करना है, अब अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखना है। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, सब ध्यान दो यहाँ पर। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सब ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट है, सवाल इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। आप एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लो, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दो, अंदर H2 गैस भर दो, यहाँ पर सेल कनेक्ट कर दो बैटरी, और क्या करो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस। इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया इसमें से, या हीट करा दिए, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया है आपने, इसको हीट कराया, हीट कराने से क्या होगा, हीट कराने से ये होगा कि ये इसके एटम्स क्या हो जाएंगे, उनको एनर्जी मिल जाएगी, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद ये ग्लो करना शुरू करता है, क्या करता है ग्लो, मतलब इसमें से लाइट निकलती। अब ग्लो करता है तो इसमें से लाइट निकल रही होगी, लाइट निकल रही होगी, उस लाइट को अपन क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं, प्रिज्म से। प्रिज्म से पास करा करके हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग लाइंस नज़र आती हैं। जैसे वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे तो वेवगियर नज़र आता है, अलग अलग कलर, बिल्कुल वैसे ही। तो इसकी लाइट निकलती है तो इसमें क्या निकलते हैं, अलग अलग आपको लाइंस नज़र आती हैं, समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और ये किसका, कौन सी गैस का, हाइड्रोजन गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ऐसे अगर नाइट्रोजन फिल कर देंगे तो नाइट्रोजन स्पेक्ट्रम, ऑक्सीजन फिल कर देंगे तो ऑक्सीजन स्पेक्ट्रम, समझ आ गया। हर गैस का या हर मटेरियल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिक होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है, यूनिक होता है, समझ आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या है, ये फिंगरप्रिंट है, समझ आ गया। मतलब क्या, आप से स्पेक्ट्रम देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये वाली गैस होगी, समझ आ रहा है, क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, यूनिक होता है, अलग होता है ये स्पेक्ट्रम, सबको क्लियर है, ठीक है ना। अब ये स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में अपने को जानना है, और उसका एक्सप्लेनेशन कौन देता है, नील बोर का थर्ड पोस्टुलेट, समझे, क्लियर हो गया। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता होगा, ये लाइट क्यों निकल रही होगी वो मैं आपको समझाता हूँ, सबको क्लियर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है ना। चलो भाई, अब एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो क्या था बताइए, एनर्जी का एक्सप्रेशन ई हमने क्या लिखा, एक्सप्रेशन क्या है हमारा एनर्जी का बताइए, एनर्जी क्या है बोलो, माइनस जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 है ना, माइनस एम ई रेस टू 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है ना। तो हमारा एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या आया, माइनस एम ई रेस टू 4 और क्या आया, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आया, डिवाइड बाय आया 8 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या है एच स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये अपने पास आया। यानी किसी भी ऑर्बिट का, ध्यान से सुनिए, किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको एनर्जी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर और यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, ऑर्बिट का नंबर। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब क्या बताएगा, ऑर्बिट का नंबर, शेल का नंबर बताएगा, ठीक है। अब नील बोर का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, नील बोर का थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट कब करता है, जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे जंप करता है। तो हमने पहले उसको एनर्जी दी,
हीट करके या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके एनर्जी दी, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम का तो ग्लो करने लगा। क्यों ग्लो कर रहा होगा? हाँ, इसीलिए ग्लो कर रहा होगा कि सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए होंगे, हायर लेवल पे, और सब एक एक करके क्या कर रहे होंगे, नीचे गिर रहे होंगे, और क्या रिलीज कर रहे होंगे, फोटोन रिलीज कर रहे होंगे। अब समझ में आ गया, तो हाँ भेजे में जाता, अच्छा ऐसा होता होगा। तो ये अपने को किसने बताया था? नील बोल। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया? तो वो जो फोटोन रिलीज हो रहा है, उस फोटोन का वेवलेंथ क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, ये अपने को अब निकालना है। समझ आया, क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है कोई हायर लेवल से क्या कर रहा है, कोई हायर लेवल से कोई लोअर लेवल पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। एनर्जी रिलीज कर रहा है कितनी, एच न्यू। फोटोन की एनर्जी रिलीज कर रहा है एच न्यू। अपने को निकालना है कि ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है इसका वेवलेंथ कितना है, ये मुझे निकालना है। क्या निकालना है? इसका वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, ये सारी चीज़ें निकालनी। कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ मुझे पता है, क्या पता है, कि ये जो फोटोन जो है जो रिलीज करेगा वो उसकी एनर्जी कितनी होगी, दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस 10 2, कितना रिलीज करेगा, 8। अब समझ आ गया? तो ये मुझे पता है। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि बेसिकली जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, लिखाया था ना मैंने, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा, EH माइनस क्या होगा, EL। ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, फोटोन की एनर्जी तो लेकिन एच नहीं होती है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच नहीं होती है, और EH क्या होगा, तो ये कौन सा ऑर्बिट है, हाइयर ऑर्बिट, ये कौन सा ऑर्बिट है, लोअर। तो N की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, H, और यहाँ इसमें क्या लिखेंगे, L। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ME^4 z² डिवाइडेड बाय, बताइए क्या होगा, 8 ε0 h², और ये क्या हो जाएगा, h², समझे। ये माइनस अपनी जगह पर, वो माइनस अपनी जगह पर, बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अपनी जगह पर ME^4 z² डिवाइड बाय क्या होगा, बताओ, डिवाइडेड बाय 8 ε0 h², और ये क्या हो जाएगा, l², ठीक है ना। ये माइनस, वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, बताइए क्या कॉमन आ सकता है, ये भी बताइए मुझे, ME^4 और क्या होगा, z² डिवाइड बाय क्या होगा, 8 ε0 h², ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, 8 ε0 h², अंदर क्या बच जाएगा, ये हो गया प्लस, वो हो गया माइनस, यानी 1 upon l² माइनस 1 upon h², ये बच जाएगा h न्यू। c इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्बडा होता है, तो न्यू क्या होगा, c/λ, तो ये c/λ आ जाएगा। समझ आ गया? अब इसको अपने को निकालना क्या है, लैम्बडा निकालना है, तो एच सी को वहाँ भेज देते हैं, एच सी को वहाँ भेजेंगे तो बताओ क्या होगा, 1 upon λ ME^4 z² डिवाइड बाय क्या होगा, 8 ε0 h³, और ये क्या हो जाएगा, c, और ये क्या बचेगा अपने पास, 1 upon l² माइनस 1 upon h², तो ये 1/λ, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा, यानी जो फोटोन वो रिलीज करेगा उसका अपने को क्या मिल जाएगा, इससे वेवलेंथ। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, इसको मैं अभी शॉर्ट करूँगा, कैसे करूँगा समझाता हूँ, कॉपी करो पहले, चलो इसमें ध्यान रखना, बुक में एक्सप्रेशन रॉन्ग दिया हुआ है, पेज नंबर 328 पे, वहाँ पर मैंने वहीं से देख के लिखा है, वो जो EN लिखा हुआ है वो है ME^2 e^4 upon 8 ε0 ² है, वो वहाँ गलती किया है, और पेज नंबर 329 पे वही कैरी फॉरवर्ड करते हुए उसने गलती किया हुआ है, वो क्या है, ε0 square, सही करो उसको, ठीक है। चलो तो ये चीज़ अपने को समझ में आ रही है। अब जो है यहाँ पर इसको आइए देखते हैं, विंडो ओपन कर लो, तो देयर फोर 1/λ क्या मिल रहा है बच्चों, अपने को बताइए 1/λ क्या मिल रहा है, ME^4 z², और अपने को क्या मिल रहा है, 8 ε0 ² h³ और c, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। आइए, सो जेड स्क्वायर को बस साइड में रखता हूँ मैं, बाकी सब ऐसे लिखता हूँ, ME^4 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 ε0 ² h³ c, और ये क्या है, जेड स्क्वायर, और ये क्या है आपकी, ये एल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, समझे। पी और एन इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है उसके अंदर, इस वजह से एच और पी लिया, एल लिया मैंने, ठीक है। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और 1 upon l² माइनस 1 upon h², ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये चीज़ इसको बोलते हैं RH, क्या बोलते हैं इसको, RH, यानी क्या, रीडबक्स कांस्टेंट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रीडबक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। तो RH z² और ये क्या हो जाएगा, 1/l² माइनस 1/h², और ये क्या आया, 1/λ, वेयर RH क्या है, रीडबक्स कांस्टेंट, रीडबक्स कांस्टेंट,
जो कि होता है 1.097 इंटू 10^7 पर मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका वैल्यू है, तो देखो लैम्डा अपन ने निकाल लिया। बेसिकली 1/लैम्डा होता है वेव नंबर। क्या होता है ये? वेव नंबर। लेकिन लैम्डा निकालना तो रेसिप्रोकल कर लेंगे उसका, लैम्डा आ जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको कॉपी कर लो। फिर मैं आपको अभी अलग अलग सीरीज समझाता हूँ और ये पार्ट बोर एटॉमिक मॉडल यहाँ पर एंड हो जाएगा इसमें। चलो, तो ये अपने को समझ में आ गया। अब मैं आपको अलग अलग साइंटिस्ट ने जो जो डिस्कवर किया है उसके हिसाब से मैं आपको सीरीज समझाता हूँ। जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्टन सीरीज, पीफन सीरीज, और आपका लास्ट में क्या है? हाँ, यही सही, ब्रैकेट सीरीज। तो ये सारी सीरीज है, तो मैं आपको समझाता हूँ। आइए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम समझते हैं, उसके बाद मैं आपको सब याद करवाता हूँ कैसे क्या होगा। तो हेडिंग लगाइए, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करना है अपने को? एनर्जी लेवल डायग्राम अभी बनाने का है। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजी है। देखिए, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग एनर्जी, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका क्या है सेकेंड ऑर्बिट, सॉरी एन इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्बिट। ठीक है ना, उसके बाद एन इक्वल्स टू 4 फोर्थ ऑर्बिट। हेडिंग लगा दिए सबने, ठीक है ना। तो एनर्जी लेवल डायग्राम समझा रहा हूँ, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, यही ऐसे न्यूक्लियस होता है ना, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, बस उसको ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताता हूँ और चीज़ें, ये क्या आपका एन इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पर n इक्वल्स टू 6, यानी सिक्स्थ ऑर्बिट। ठीक है, सिक्स्थ ऑर्बिट। उसके बाद क्या है आपका n इक्वल्स टू 7, फिर कहाँ तक जाएगा ये n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या समझिए, किसी भी ऑर्बिट से इन्फिनिटी से लेके कोई भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मैं 7 से बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन 7 से आके अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरता है, क्या कब एनर्जी रिलीज करेगा? जब वो हायर से लोअर पे जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 7 से फर्स्ट पे गिर जाए, या फिर 6 से फर्स्ट पे आ जाए, या फिर 5th से फर्स्ट पे आ जाए, या फिर क्या करे 4th से फर्स्ट पे आ जाए, या फिर क्या करे 3rd से फर्स्ट पे आ जाए, या फिर क्या करे 2nd से फर्स्ट पे आ जाए, ये सभी केसेस में क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। समझ आ गया। तो ये जो फोटॉन्स का ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे बेसिकली कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कब बनेगी, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरे, फर्स्ट ऑर्बिट पे आ जाए। समझा, ठीक। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, फॉर एग्जांपल 7 से 6 से आकर के सेकंड पे गिर जाए, किस पे गिर जाए सेकंड पे, ठीक है ना, तो 7 से आकर के कहाँ गिर जाए सेकंड पे गिर जाए, या फिर 6 से आकर के क्या गिर जाए सेकंड पे आ जाए, या फिर 5th से सेकंड पे आ जाए, या फिर क्या करे 4th से सेकंड पे आ जाए, या फिर क्या करे 3rd से सेकंड पे आ जाए, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ये होती है बाल्मर सीरीज, और सब में सिर्फ यही विजिबल रेंज में होती है। जो आपको लाइंस नज़र आ रही थी ना, लाइट बाहर निकल रही है, प्रिज्म से पास कराया, लाइंस नज़र आ रही है, वो बाल्मर सीरीज आपको नज़र आ रही है। समझा, क्योंकि वही सिर्फ क्या होती है विजिबल रेंज, बाकी सब ये होती इंफ्रारेड, ये होती विजिबल, बाकी सब अल्ट्रावायलेट। समझा, ठीक है ना। नीट का सवाल है ये, कौन सी सीरीज विजिबल रेंज में होती है, कौन सी, बाल्मर। तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया इसे खतरनाक कैलकुलेशन के बाद, और क्या पूछा नीट में, कौन सा विजिबल रेंज में लाई कर रहा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, है ना। इतना चैप्टर पढ़ने का ये सब सवाल आ रहा है कभी कभी पेपर में। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या, अब देखो कहाँ पे गिरा था सेकंड पे, अब कहाँ गिरने का थर्ड पे, कहाँ से, कोई भी हायर से, तो 7 से आकर के थर्ड पे गिर जाए, या फिर 6 से थर्ड पे गिर जाए, या फिर 5th से थर्ड पे गिर जाए, या फिर 4th से थर्ड पे गिर जाए। समझ आ गया। इसको बोलते हैं पैस्टन सीरीज। क्या बोलते हैं,
क्वेश्चन सीरीज, समझ में आ गया? ठीक है ना, चलो भाई। इसके बाद अब कहाँ जाएगा बताओ? फोर्थ पे आएगा। तो सेवन से कहाँ आ जाए? फोर्थ पे आ जाए। सिक्स से फोर्थ पे आ जाए या फिफ्थ से फोर्थ पे आ जाए, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट में जो होती है, सेवन से कहाँ आ जाए? फिफ्थ पे आ जाए या फिर क्या हो जाए? सिक्स से क्या हो जाए? तो इसको बोलते हैं पी फंड सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? पी फंड सीरीज। सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कभी कभी दो मार्क्स के लिए डायग्राम आता है, समझ आ गया? ध्यान रखना है आपको ये। तो बताइए लाइमन सीरीज में क्या हो रहा है? सीक्वेंस में अब याद करना है आपको, ठीक है ना? तो सीक्वेंस में क्या है, कैसे याद करेंगे? तो उसका शॉर्टकट है, ला बाल्मर पैसा फ्रॉम, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट कंप्लीट करना था। ला बाल्मर पैसा फ्रॉम बैंक फंड, ठीक है? याद रखने का ट्रिक क्या है? ला बाल्मर पैसा फ्रॉम बैंक फंड, ठीक है ना? तो ला मतलब क्या? लाइमन। लाइमन में क्या होगा? ऊपर से सिर्फ फर्स्ट पे गिरेगा। बाल्मर सेकंड पे आ रहा है, मतलब ऊपर से सेकंड पे। पैसन पैसा मतलब पैसन, थर्ड पे। फिर ब्रैकेट फोर्थ पे, पी फंड फिफ्थ पे। समझा? क्लियर हो गया? याद हो जाएगा ऐसे। तो सबसे पहले कौन सा है? लाइमन है। तो लाइमन सीरीज क्या है बताओ? लाइमन सीरीज में क्या होता है? लोअर तो फिक्स है वन, लेकिन हायर क्या हो सकता है? टू थ्री फोर अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी। तो समझा? क्लियर हो गया? अब बताओ वन बाय लैमडा का फॉर्मूला क्या है? अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो जेड का वैल्यू क्या होगा? वन। वन बाय लैमडा का फॉर्मूला क्या है? आर एच, फिर जेड स्क्वायर इंटू वन बाय क्या है? एल स्क्वायर माइनस वन बाय क्या है? एच स्क्वायर। समझ आ गया? जेड का वैल्यू वन ले लेता हूँ, क्यों? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? अब एल कितना है यहाँ पर? ये तो फिक्स है, ये क्या है? वन का स्क्वायर, वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर। अब समझा? ठीक है ना? उसके बाद सेकेंड क्या है? बाल्मर। बाल्मर बताओ इससे क्या होगा, जल्दी बोलो। लाइमन क्या है ये? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होगा बोलो? एल का वैल्यू क्या होगा? टू। एच का वैल्यू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। टू नहीं आ सकता, थ्री से ही आएगा क्योंकि हाइयर से गिर रहा है। तो वन अपॉन लैमडा बी बताओ क्या होगा? आर एच। और क्या होगा? वन अपॉन क्या होगा? टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या होगा? एच का स्क्वायर। समझ आया? क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? इस तरीके से अब मुझे बताओ पैसन का क्या आएगा फिर? वन अपॉन लैमडा पी, उसके बाद क्या आएगा? आर एच, वन अपॉन थ्री का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच का स्क्वायर। समझ आ गया? फिर ब्रैकेट वन अपॉन फोर का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच का पी फंड। समझा? क्लियर हो गया? ऐसे आप लोग अलग अलग वेवलेंथ लिख सकते हैं। तो ट्रिक भी आपको समझा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है अभी, ये याद रखना पड़ता है ऐसे ही, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये आपको समझा दिया मैंने, यहाँ पर आपका बोर मॉडल एंड हो जाता है, ठीक है? अब बचा रेडियो एक्टिविटी का लॉ, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करा दूंगा। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स लॉ वो देख लो, डी ब्रोगली का एक्सप्लेनेशन भी कल ही बता देता हूँ, बस लिमिटेशन देख लो। बोर मॉडल के लिमिटेशन में ये था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। मतलब अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और गैस ले लेंगे इवैक्यूएटेड ट्यूब में, तो उसका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। कौन? नील बोर का मॉडल, ठीक है ना? उसके बाद इवन फॉर हाइड्रोजन मोर एक्यूरेट स्टडी ऑफ द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा शोड मल्टीपल कंपोनेंट्स इन सम लाइंस विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। क्या मतलब? जब अपन ने और अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा तो अपने को देखो प्रिज्म से निकल के क्या नज़र आ रहा था? कुछ लाइन नज़र आ रही थी, है ना? जब और अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा तो पता लगा इस लाइन में भी और क्या है, बहुत सारी लाइन्स है, समझे? उसको और जूम करके देखा तो क्या मिला? वो लाइन भी क्या है? एक लाइन भी बहुत सारी लाइन से बनी हुई थी। समझ आ रहा है? वो सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में बताता हूँ, समझे? ठीक है, ये मतलब था। उसके बाद यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन नहीं है, और ऑर्बिटल का डिस्कशन फिजिक्स में नहीं करना, वो केमिस्ट्री में करते हैं। फिर द इंटेंसिटीज ऑफ द एमिशन ऑफ एमिशन लाइन सेम टू बी डिफरेंट फ्रॉम लाइन टू लाइन एंड बोर्स मॉडल हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। मतलब क्या? कोई लाइन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी, कोई लाइन की ब्राइटनेस कम थी। बोर मॉडल के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक, क्लियर हो गया? उसके बाद ऑन थ्योरेटिकल साइड ऑल्सो मॉडल वॉज नॉट एंटायरली सेटिस्फैक्ट्री एज इट आर्बिट्रेली अस्यूम्ड ऑर्बिट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर कंडीशन टू बी स्टेबल, देयर इज नो थ्योरेटिकल बेसिस फॉर दैट अजम्पशन। इसने क्या बोला था? कौन से ऑर्बिट में घूमेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, ये ऑर्बिट में घूमेगा। क्यों घूमेगा? उसको नहीं पता था, उसने बोला बस कैलकुलेशन से यही आ रहा है।
तो इस वजह से थेरेटिकल बेसिस पर भी पूरा तरीके से स्टेबल नहीं था मॉडल, समझा, क्लियर हो गया। तो ये जो है अब इसके लिए क्या चाहिए अपने को, फुल क्वांटम मैकेनिकल स्टडी चाहिए पूरा मॉडल समझने के लिए, वो अपने सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये बोर मॉडल आपको मैंने समझा दिया है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह।